अच्छा तो आप ये बर्फ़ यूज़ नहीं करते, इससे आप चिलर यूज़ करते हो, इसीलिए मेरे को लगा कि इतना ये गाढ़ा क्यों है, क्योंकि वो बर्फ़ यूज़ करते तो उसमें पतला हो जाता है, और ये लोटा वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। सही बात है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईट ब्लॉग एंड रिपीट में स्वागत है। आज जिस जगह पे हम आए उस जगह का मैं क्या ही बताऊँ कि सैटेलाइट में ऐसा फर्स्ट टाइम है। अहमदाबाद में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये जो हम वीडियो में दिखाने वाले हैं वो मिलता है। चलिए अभी मैं सस्पेंस बता ही देता हूँ। आज हम जिस जगह पे आए वहाँ पे ऐसी आइटम मिलती है, वो गन्ने का जूस, वो एक लोटे में मिलता है। सब आप कमेंट्स में बताओगे कि अहमदाबाद में तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये मिलता है, पर सैटेलाइट में ये फर्स्ट टाइम मिलता है। और इसकी प्राइस भी इन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकल रखी है, डेट इज़ 15 रुपीज़ एक लोटे का रखा है। तो क्योंकि आप दूसरी कई जगह पे जाओगे तो वहाँ डिस्पोजिबल ग्लास है वो उसमें जो क्वांटिटी आएगी वो कम आए, इनका जो लोटा है उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी। और आप सभी को पता ही है कि हमने नई सीरीज चालू करी है, गर्मी पकाओ सीरीज। उसमें हम ऐसी फूड आइटम दिखाते हैं जिसको खाने से या पीने से आपको थोड़ी देर या उसके बाद आपको ठंडक का एहसास होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो चलिए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी आ ही गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एक नए व्यूवर्स हो तो आप हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए। और अगर आपको कोई ऐसी जगह पता हो जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता हो, ऐसी कोई ठंडक वाली चीज़ मिलती हो, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो हम वहाँ आके आपको साथ वहाँ हम वीडियो शूट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका मेकिंग दिखाते हैं और फिर इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये तो फ्रेश आइटम है तो इसमें हमारा फाइनल रिव्यू तो नहीं होगा, पर हाँ कैसे पूरा इनका पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। लेट्स गो। ये यहाँ के ओनर है, इनका ये जो स्टॉल है उनका नाम है आयुश्री खोडियाल, और ये बदरखा के स्पेशलिस्ट है जो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा चलता है ये गन्ने का जूस का। तो चलिए अभी इनका पूछते हैं कि ये आप कितने समय से इधर रखा रहे हो। ये 20 साल से चला हुआ है, जहाँ पे बदरखा है वहाँ इनका 20 ईयर्स से चल रहा है। और ये अभी सैटेलाइट में आपने कब लगाया? 15 दिन। अभी तो जस्ट 15 दिन ही, और इधर का रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा रिस्पॉन्स सही में, ये सैटेलाइट में बहुत ही इनको अच्छा मिल रहा है। और मैं भी इधर 4 टाइम ये इनका रस है वो पीने आया, क्योंकि इनका रस बहुत ही बढ़िया है। अहमदाबाद में कितनी ब्रांच है? 3, भोपाल साइंस सिटी। अभी यहाँ पे इनकी अहमदाबाद में 3 ब्रांच है, एक भोपाल है, एक साइंस सिटी है और एक सैटेलाइट में है। सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांच चलती है आपकी? साइंस सिटी वाली। साइंस सिटी वाली सबसे ज़्यादा चलती है, तो मैं तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये प्लेस का भी डाल दूंगा और वो दो का भी डाल दूंगा। तो आपको कहाँ पे भी जाना हो तो आप गूगल उसमें दबाओगे तो आप तुरंत ही डायरेक्ट मैप थ्रू वहाँ पे पहुँच जाओगे। और आपको ये आइडिया कैसा है कि ये जो गन्ने का जूस है वो आप ऐसे लोटे में सर्व करोगे? वहाँ हमारे गाँव में 5 रुपये में ग्लास में देते थे। अच्छा। हम पहली बार 2 रुपये में लोटे में शुरू किया था। अच्छा, तो इन्होंने सबसे पहले 2 रुपये से स्टार्ट किया था और जैसे कि भाव बढ़ता गया, साल बढ़ते गए, तो अभी इसलिए ये 15 रुपये में। पर 15 रुपये में भी इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप दूसरे जगह कंपेयर करोगे तो 15 रुपये में इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। इधर सब टेबल वगैरह भी रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो सब टेबल वेबल सब कुछ रखा हुआ है और इनका एम्बियंस भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप इधर इजीली अपने दोस्तों के साथ आके, अपने फैमिली के साथ आके आप इधर बैठ के भी गन्ने का जूस पी सकते हो, या अपनी गाड़ी में भी आप डायरेक्ट इधर लेके वो पी सकते हो, और आप डिलीवरी भी करते हो बराबर ना? तो उसमें कैसा रहता है डिलीवरी में? ये आप बोतल घर से लाने की रहती है कि बोतल यही से? एक लीटर की बोतल के ये पूरा गन्ने का इसमें जूस भर के आपको सर्व करेंगे और आप ये घर पे भी ले जा सकते हो, और इसका प्राइस है 50 रुपीज़।
और ये इनकी 500 ml वाली बोतल है जिसका प्राइस है 25 rupees। और ये आपका जो ये स्टॉल लगा है उसका टाइमिंग क्या है? सुबह से 9 से रात को 11। अच्छा, सुबह से 9 बजे ये चालू हो जाता है और रात को 11 बजे तक चलता है। तो आप ये टाइम दौरान कभी भी इधर आ सकते हो। और चलिए अभी हम इनका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे ये गन्ने का जूस निकालते हैं और फिर उसके बाद हम इनका टेस्ट करें। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इनका गन्ना है और ये गन्ना जो नॉर्मल आता है वो वाला है कि ये अलग आता है? अलग आता है। अलग आता है, जूस का अलग आता है, यानी ये ठीक, ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है बरोबर ना, और इसमें रस ज़्यादा निकलता है यानी। और ये इनका पूरा सेटअप है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये अभी इधर से आप डालोगे ये गन्ना, और ये पूरा मोटर से चलता है, और इधर से गन्ना डालेंगे और इधर से पूरा रस निकलेगा और उधर से पूरा जो वेस्ट है गन्ने का वो फिर आउट हो जाएगा। और मेरे को जब तक पता है तब ऐसा है कि ये गन्ना जो वेस्ट निकलता है उससे वो शुगर बनती है बरोबर ना, इससे नहीं बनती शुगर? अच्छा, शुगर की जो शुगर कैन है वो अलग आती है बरोबर। तो इसका वेस्ट का क्या होता है फिर? अच्छा, तो ये इसका जो वेस्ट है वो काऊ खा जाती है। तो और जो बुक्स पे हम जो पेपर यूज होता है, जो हार्ड पेपर यूज होता है उसको हम गुजराती में पुठा ही बोलते हैं, तो वो इससे बनता है, तो वो भी इसका एक बाय प्रोडक्ट है। और फिर ये पूरा इनका सेटअप है और फिर इधर से फिर जूस निकाल दिया जाता है। और फिर ये वाला जूस कहाँ पे जाता है? इसमें। और ये वाला जूस है, फिर ये क्या है, चिलर है? अच्छा, ये चिलर में, तो ये चिलर में ठंडा होगा। और फिर ये चिलर में कितनी देर तक रहता है? 15-20 में ठंडा हो जाता है। तो या बिना बर्फ का लो, सबका 15 रुपया। तो ये सही बात है क्योंकि आप किसी भी जगह पीने जाते हो और बिना बर्फ का जो गन्ने का जूस है उसका भाव बर्फ़ वाले से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। पर इनकी ये बात मेरे को बहुत ही अच्छा लगी। और ये बर्फ़ यूज़ नहीं करते, इसके अलावा ये चिलर यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बढ़िया बात है। तो चलिए अभी हम हमारा ऑर्डर देते हैं और लोटा वाला गन्ने का जूस पीते हैं। आप देख सकते हो ये इन्होंने ये लोटा में गन्ने का जूस सर्व किया है और इसका कलर भी जैसे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। और इन्होंने इसमें नींबू का भी यूज़ किया है, तो अभी वो टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और गन्ने के बहुत सारे फ़ायदे भी है कि अगर आप ये गर्मी वाले सीज़न में गन्ना पियोगे गन्ने का जूस, उसके बहुत सारे फायदे भी आप गूगल भी कर सकते हो और अभी मेरे स्क्रीन पे भी आ गया होगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको ये ऐसी अच्छी अच्छी आइटम गर्मी में ज़रूर पीनी चाहिए। और ये नया कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट में और अहमदाबाद में ऐसी बहुत सारी जगह पे जैसा ऐसा लोटे में ऐसा सर्व करते हैं, पर ये गन्ने का जूस बहुत ही बढ़िया है और आप ये प्लेस पे ज़रूर 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 आना क्योंकि बहुत ही नया है, कुछ नया किया है इन्होंने, नया कॉन्सेप्ट है। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या ऐसा आपने गन्ने का जूस ऐसे लोटे में कभी पिया है कि नहीं, अगर पिया है तो कहाँ का पिया है, और नहीं पिया है तो भैया ये जगह पे आइए और आप इधर का एक्सपीरियंस करें, ये गन्ने का जूस पिए, बहुत ही मजा आएगी, सच में बोलता हूँ। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो आप और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने 10, 12, 15, 20 मित्रों के साथ शेयर करिए और अपनी फैमिली के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए और बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दीजिए। और ये एपिसोड 2 था गर्मी भगाओ सीरीज का। एपिसोड 1 आपने नहीं देखा तो अभी आई बटन में आ गया होगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और ये सीरीज में हम आपको ऐसी फूड आइटम और ऐसी ऐसी जगह पे हम जाएंगे जो जगह पे आप जाके और वो फूड आइटम खा के आपको थोड़े बहुत उस टाइम और उसके बाद आपको ठंडक का, ये गर्मी वाले सीजन में ठंडक का एहसास होगा। तो चलिए हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लेके आते रहते हैं, तो आप ज़रूर 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 हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन खाओ पियो जलसा करो, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय।